नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। ग्राम भोईदा में खेत के बिजली पोल पर चढ़े आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत। खरगोन जिले के कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम भोईदा और चिचली के बीच में विगत दिनों हवा आंधी में विद्युत तारों के गिरने के बाद सुधार कार्य चल रहा था, जिसमें कार्य करने के दौरान एक युवक को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली पोल पर चढ़े एक दैनिक वेतन कर्मचारी की करंट लगने से मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को 10 बजे के करीब बिजली का काम चल रहा। कर्मचारी मनोहर पिता ओमकार बडोल जाति भिलाल उम्र 30 वर्ष निवासी वायतेल मुलुठान को करंट लग गया। करंट लगने के तुरंत बाद साथी कर्मचारी एवं ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में युवक को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। व्यक्ति की मौत हो जाने से पूरा परिवार सदमे में आ गया था, साथ ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृत व्यक्ति के परिजनों ने पत्नी एवं बच्चों के लिए मुआवजा राशि देने की मांग की है। साथ ही MPEB में परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर शव के पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर हंगामा भी किया। वही घटना को गंभीरता से लेते हुए SDOP राहुल कुमार खरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही सूचना पर बलवाड़ा थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर भी पहुंचे। विद्युत मंडल के कर्मचारियों से बात कर तुरंत लिखित में अधिकारियों से परिवार को अंत्येष्टि के लिए सहयोग राशि 30,000 रुपये नकद प्रदान की गई एवं 8,00,000 रुपये विद्युत मंडल से मृतक के परिवार को दिया जाएगा, जिसके बाद पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। भैया, ये जो करंट लगा है भोईदा में, क्या मामला है? ये मामला ऐसा है, हमारा भाई लेबर मैं ब्राह्मणों से मांगीलाल पटेल, इनका DC सचिव हूँ मैं, बालसमंद DC में कार्यरत हूँ मैं, ग्रिड ऑपरेटर पे निमरानी भी पदस्थ हूँ। मामला ऐसे संज्ञान में आया मेरे कि सवेरे लाइन फाल्ट थी अपना भोईदा DL फीडर, कुछ झाड़ वगैरह गिर गया था लाइन पे, तो TA महेश मुजालदे, जिसका काम केवल ग्रिड पर तक ही सीमित था, उसने परमिट लेके लाइन के जम्फर कटवाए। उसके बाद में करीबन 11:30-12 के समथिंग में राधा कृष्ण बारू, लोकेश सिसोदिया और महेश मुजालदे लाइन पे काम कर रहे थे, और मनोहर बडोले भी साथ में थे। तो इन्होंने काम करने वाला अकेला मनोहर बडोले लेबर था, इन्होंने उनसे तार वगैरह खिंचवाए, झाड़ वगैरह कटवाए। उसके बाद में इनका ऐसा कहना है कि वो अकेला गया और लाइन पर चढ़ गया, और मेरा कहना ऐसा है कि लाइनमैन साथ में रहना चाहिए, लाइनमैन नीचे मौजूद रहेगा, लाइनमैन ने परमिट लेना चाहिए। दोनों की लापरवाही, TA ने DL के जम्फर कटवाए, और दूसरी सेफ्टी क्रॉसिंग में एरिकेशन लाइन जो थी वो दूसरे लाइनमैन ने परमिट लिया, राधा कृष्ण बारू ने। उसके ग्रिड वाले ग्रिड पे भी ट्रिपिंग आया हुआ है, इसको जब करेंट लगा ये नीचे गिरा और ये दुर्घटना हो गई है। हमारे साथ आए दिन शोषण होता है। एक चीज ये है कि इसमें लापरवाही किसकी है, लापरवाही TA की है और लाइनमैन की। वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, मौजूद नहीं थे, पास में खेत में पड़ोस, अभी हमको संज्ञान में आया है कि साइट में खेत में काम कर रहे थे कुछ मजदूर, और वही सर जो व्यक्ति को करंट लगा है मृत्यु हुई है, क्या मामला है सर? प्रथम सूचना हमें जो प्राप्त हुई है उसमें था करंट लगने से इनका मृत्यु हुई है, तो थाना धामनोद लगता है यहाँ हॉस्पिटल थाना धामनोद के अस्पताल में लाए हैं, जहाँ का PM चल रहा है। इस संबंध में हमारे यहाँ 0 FIR की गई है, संबंधित थाना को भेज दिया। सर इसमें कुछ सहायता दी गई परिजनों को? हाँ, MP वालों ने द्वारा कुछ लिखित में दिया गया है कि जो भी विधिक सहायता होगी उनको दी जाएगी, जो भी और औपचारिक रूप से उनके यहाँ से आर्थिक सहायता होती वो दी जाएगी। सर हमेशा धामनोद अस्पताल में कसराव थाना हो, बड़वानी थाना हो या ठीकरी थाना हो, अक्सर यहाँ पर धर्मपुरी क्षेत्र के भी यहाँ पर कोई भी ऐसा केस होते हैं तो यहाँ ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाने का क्या कारण रहता है और हमेशा यहाँ पर लोड आ जाता है? कारण अस्पताल की सुलभता ही हो सकती है और क्या, और इसके अलावा सर अगर जिस थाने संबंधित क्षेत्र का मामला है वहाँ पर देखना चाहिए कि नहीं?
जहाँ अस्पतालों की सुलभता के संबंध में है, जहाँ जल्दी लगता है कि बड़ा हॉस्पिटल है, सुविधाएं मिल जाएंगी, वहाँ जल्दी उपचार के से जगह ले जाते हैं। ऐसा क्या है कि कोई उमरबन का मामला है या मान लो मनावर क्षेत्र थाना का मामला है, फिर भी लोग धामनोद थाना क्षेत्र में ले आते हैं और यहाँ पर